दोस्तों आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त गेम प्ले दिखाने वाले हैं। पहले हम गाड़ियों को चलाना सीखेंगे जिससे इन सभी हमारे एनिमीज रहेंगे और हम गाड़ियों को चलाना सीख रहे हैं और इनसे जीतना है। इसके बाद अगली गेम में हम सारे एनिमी को गन से मारना सीखेंगे और उनसे पैसे लूटना। इस सीरीज में बहुत ही अच्छे अच्छे गेम हम लाने वाले हैं। ये देखो जहाँ पर एरो दिया है वहाँ से हमें घूमना होता है। ओहो हम काफ़ी पीछे रह चुके हैं क्योंकि अभी ये गाड़ी हमें चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये समझ लीजिए अभी हमारा ट्रेनिंग पीरियड है। ये जहाँ जहाँ पर ये देखो ये सारे लोग आगे निकल रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इन सभी को टक्कर मार दें उसके बाद आगे निकल रहे हैं, या तो उनके पीछे पीछे ऐसे ही चलते रहें। ये देखो कुछ को हमने टक्कर मार दिया और कुछ पीछे कर दिया है। ओह काफ़ी ज़्यादा है मुड़ गया भाई। ये देखो इतना तेज से लड़ने के बाद हमारी कार भी ब्लास्ट हो सकती है। हमें और पीछे से ही घूमना था लेकिन हम यहाँ से मुड़ नहीं पाए। ये देखो यहाँ से सारे लोग मुड़ रहे हैं, यहीं से हमको भी घूमना है, यहाँ से चलते हैं। देखो एक साथ कितनी सारी कारें डूब गई। चलो हम फिर से रेस शुरू करते हैं अपना। यार हमें शुरू से चलना होगा, जहाँ जहाँ एरो का निशान दिया रहता है वहाँ वहाँ हमें जाना होता है। ये देखो राइट साइड में भी एरो का निशान दिया है, यहाँ पर भी हमें जाना होगा। ये देखो एक गाड़ी अभी हमारे पास ही है, जहाँ पर रेड लगी हुई है उन्हीं गाड़ियों को हमें कोई पीछे छोड़ना है, लेकिन इन सभी गाड़ियों से बीच में होते हुए हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हम दोबारा रेड हो चुके हैं। गाड़ी तो हमसे चलाई नहीं जा रही, उन्हीं कैसे मरेंगे। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर हैंडल दिया रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है कंट्रोल करना। ये देखो सलामी पोजीशन पर हम आ चुके हैं फाइनली, यानी कि सबसे लास्ट में। हमसे लास्ट में कोई नहीं पार किया। सेकेंड लास्ट आते तो भी कोई बात नहीं। चलो इस बार चलते हैं देखते हैं क्या होता है। इस बार भी लास्ट ही आना है या फिर किसी से आगे जाना है। कोई बात नहीं, चलो फिर से देखते हैं क्या। हमारी कार एक बार डूब चुकी है पानी में या दलदल में फंस जाता था, तो वहाँ से दोबारा हमें स्टार्ट करना होता है। ये सारी कार इतना तेजी से टक्कर हो रहा है आपस में। देखते हैं क्या होता है फाइनली। तीन चार कार हमसे आगे, अभी इनको खूब खा के आगे निकल जाएंगे थोड़े ही टाइम में। ये देखो सामने वाला भाई साहब तो इतना तेज चला रहे हो, इसी को खोलते हैं तो फिर आगे निकल जाएंगे। ये देखो सेकंड हमने फिनिश कर दिया है, लास्ट से सेकंड पे इतना तेज जंप। ये देखो करीब 50 सेकंड में।
दूसरे नंबर पर हमने क्रैश किया है, बाकी और सब लोगों ने पार किया ही। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस बार क्या होता है। हमारी गाड़ी पहले होनी चाहिए, ये गलत बात है कि हमको सबसे पीछे कर देता है। तो आगे क्या करें, शायद से निकालते हैं गाड़ी से, ठोक देते हैं जो आगे आएगा, ठोक देंगे सभी को। राइट 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 राइट, ओ हो 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 हो, काफ़ी आगे निकल गए थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। घूमना कहाँ है, जब तक एरे का हिंसा ना दिखे तो हमें रोड छोड़ना नहीं होता है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाता नहीं हूँ, लेकिन ये लोग घूम जाते हैं, समझ नहीं आता। ओ हो हो हो, फिर से पानी में, इस बार तो हारने वाले हैं फिर से। जहाँ से वो लोग जा चुके हैं वहीं से हमको दोबारा जाना पड़ रहा है, और इस बार भी हम हारने ही वाले हैं। अगर अब की बार हमारी कार पानी में डूबी तो हम क्विट कर देंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा खेलेंगे दूसरा गेम, देखते हैं क्या होता है। एक बार जब गाड़ी पिछड़ जाती है तो फिर चलाने का मन नहीं करता, इसलिए और बार बार एक्सीडेंट होता है। ये देखो, हमको पीछे से ही मुड़ना था लेकिन हम आगे निकल गए। हम इसको बंद कर रहे हैं और फिर से खेलने जा रहे हैं कोई नया गेम। इसमें चोर सिपाही की तरह गेम होगा, जिसमें हमें पैसे लूटने होंगे, उसके बाद पुलिस से बचना भी होगा। चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कोई मल्टीप्लेयर वन मैन आर्मी, क्या शुरू करें। चलो ये देखो, वन मैन आर्मी हमने शुरू किया है। यहाँ पर बहुत सारी जुबीज रहेंगी, या तो हम अपने, ये देखो ये गाड़ी हमको मिली हुई है, इसको क्या बोलते हैं, नाम ही याद नहीं आ रहा है। इससे हम उनके ऊपर बम फेंक सकते हैं, या फिर गाड़ी से उतर के छोटे छोटे गन हमारे पास रहते हैं उससे हम फायर कर सकते हैं। यहाँ से देखो हम नीचे उतर चुके हैं, अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़ दिए हैं। ये फिल्मों में भी जो था इसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी। चलो किसी गाड़ी वाले को मार कर उसकी गाड़ी छीन लेते हैं, पहले देखते हैं हमको जाने के लिए रास्ता कहाँ से है। ये देखो ये क्या है, ओहो ये तो पानी है, ये दलदल है, हमको लगा तो ये पानी है लेकिन ये दलदल था और हम डूब गए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जुबीज हैं, या फिर आप बोल सकते हो इमीज हैं, इनको हमें मारना होगा बहुत जल्दी से, नहीं तो ये हमें मार देंगे। ये देखो ये तो पास नहीं आ गया, इन सारे ने हमें घेर लिया है, जल्दी जल्दी उनको फिनिश करते हैं तभी हमें पानी। ये देखो हमने इसे कंप्लीट कर दिया बहुत ही कम टाइम में। इसके बाद हम पुलिस चोर वाले गेम खेलेंगे, ये इसमें एनिमी को मारना है और अगले गेम में हमें पुलिस चोर को मारना होगा। इसमें पहले स्टेप बाई स्टेप हम अगले गेम पर चल रहे हैं। रेडी आर नाट, क्या सेलेक्ट करें, स्टोरी वाला सेलेक्ट करें। चलो कोई बात नहीं,
चलो हम फोन उठाते हैं और बोलते हैं कि हम रेडी हो चुके हैं। ये रुक, यहाँ पर हमारा फोन आ चुका है, हमें कंफर्म करना है हम रेडी हो चुके हैं या नहीं। चलो फोन उठाते हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं जल्दी से और किसी को ढूंढते हैं जिससे कुछ पैसे हमें मिल सकें। ये देखो 100 मीटर पर हमको कुछ मिलने वाला है। चलो देखते हैं वहाँ पर हो सकता है कोई गन हो या कुछ, और फिर हमारे पास कुछ है नहीं, केवल एक चाकू है और गन है जिसमें गोली ही नहीं है। लेफ्ट साइड में एक गन है, उसको अभी हम उठाएंगे। ये देखो देखो हमने मार दिया, यहाँ से हमें जल्दी से भागना होगा नहीं तो अभी पुलिस आ जाएगी। ये देखो यहाँ पर एक गन भी है और हमारे पास 20 गोली भी आ चुकी है। ये देखो $2 मिलियन हमको इकट्ठा करना है जिसमें अभी $6,000 ही हमारे पास हुए हैं। हमको जल्दी से इनसे पैसे छीन कर छिपना होता है। ये देखो सामने पुलिस खड़ी है। ओ हो हो हो, भाग भाई भाग भाग भाग। ये देखो ओ हो हो हो, पुलिस ने हमें मार दिया और हमने उसे, अगर हम चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे लेकिन हमने सोचा हो सकता है हम चाकू से उसे मार दें। हमको गन का उपयोग करना था, कोई बात नहीं देखते हैं अगली बार। हमारे पास खैर काफ़ी टाइम था। चलो हम कंफर्म करते हैं कि हम रेडी हो चुके हैं। चलो यहाँ से चलते हैं जल्दी से और कुछ लूटपाट करते हैं। पुलिस से भी काफ़ी सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो बार बार पुलिस आ जाती है, जल्दी से छिपना होता है। अगर मौके पर ना पकड़े जाओ तो फिर बच गए, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें वहाँ से भागना पड़ता है। ये देखो सामने के दाहिने साइड पर हमको कुछ मिलने वाला है, लेकिन यहाँ थोड़ा लूटपाट करते हैं उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ देखो रेड डॉट मैप में नहीं दिख रहा है, यानी पुलिस अभी दूर दूर तक नहीं है। रेड डॉट जब दिखना शुरू हो गया यानी पुलिस आने वाली है, इसलिए हमें वहाँ से जल्दी से निकलना पड़ता है। ये देखो अभी पुलिस आ चुकी है और यहाँ पर हम छिपे हुए हैं। ये देखो सामने जिस बंदे को, जिस बंदे से हमने सामान छीना था वो सामने पड़ा हुआ है घर। ये देखो बगल में ही पुलिस है, यहाँ से काफ़ी तेज़ी से हमें भागना होगा। भाग भाई भाग भाग भाग, पुलिस एकदम पीछे लग गई है। ये देखो यहाँ पर अंधेरा है, यहाँ पर हम छुप गए हैं, अब यहाँ से निकलने वाले हैं। ये देखो हर आदमी के पास हमें कुछ ना कुछ सामान मिलता है जिससे हमारे पास कुछ पैसे बढ़ते जाते हैं। हमें कुल मिलाकर $2 मिलियन इकट्ठा करना होगा। अभी हमारे पास कोई गन भी नहीं है। ये देखो गन में कोई गोली नहीं है, इसलिए गोली चल नहीं रही है। देखो यहाँ पर अंधेरा है, यहाँ पर हम बार बार आके छिप जाते हैं। देखो सामने ही पुलिस की गाड़ी है, लेकिन वो हमको देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो उजाले में और हम अंधेरे में हैं, यहीं पर छिपे रहते हैं जब तक वो चले नहीं जाते हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं। एक बात अच्छा है कि मौके पर ना पकड़े जाए तो कुछ होने वाला नहीं है। ये देखो यहाँ पर एक गन भी है और हमारे पास 20 गोली भी आ चुकी है। हम दूर से भी इसको मारकर उसका सामान छीन सकते हैं। यहाँ पर अभी कोई पुलिस भी नहीं है, दिख रहा है, तो चलो निकलते हैं यहाँ से। ये देखो डमी के पास तो ओ चलो एक मिल गया इससे। पुलिस 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 पुलिस, भागते हैं भाई जल्दी से यहाँ से। चलो एक गोली इन पर भी खत्म करते हैं। छिप जाओ भाई जल्दी से। ये पुलिस चोर वाला नकली गेम है तो इसे सीरियसली मत लेना। ये देखो ये पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, जल्दी से यहाँ से भागते हैं।
ये देखो हम छिपने के लिए अंधेरे का सहारा लेते हैं जिससे पुलिस हमें देख ना पाए। अब यहाँ से निकलते हैं, ये देखो जहाँ पर छाँव या अंधेरा होता है वहाँ पर दिखाई कम देता है। ये देखो यहाँ पर भी एक गन पड़ी हुई है। अब हमारे पास कुल 54 गोलियाँ हो चुकी हैं। अब हम काफ़ी टाइम तक छिप कर ऐसे लूट सकते हैं। ये देखो 33,000 डॉलर हमारे पास हो चुके हैं कुल मिलाकर। 2 मिलियन हमको इकट्ठे करने हैं और 52 गोलियाँ भी हमारे पास हैं। अगर गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो हमारे पास चाकू है, ये अच्छी बात है। चलो इस बार कोई कार लूटते हैं, तो 33,000 डॉलर देखते हैं इस कार वाले के पास। कार वाला काफ़ी ही बेकार, देखते हैं। कार वाला तो काफ़ी अमीर था। चलो किसी दूसरी गाड़ी का पीछा करते हैं। अब हमारे पास अभी 40 गोलियां हैं, 38 गोलियां अभी भी बची हुई हैं। ये देखो यहाँ भी कोई पुलिस नहीं दिख रहा है, वो लोग हमें ढूंढना चाह रहे हैं लेकिन हम छिप जाते हैं बार बार। 36 गोलियां हमारे पास हैं, 75,000 डॉलर हमारे पास हो चुका है। चलो किसी गाड़ी का फिर से पीछा करते हैं। एक आदमी से करीब हमको 3,000 डॉलर मिल रहा है। पीछा करते हैं भाई गाड़ी वाले का। दिमाग में आ रहा गाड़ी लुटा है, तो काफ़ी अमीर लग रहा है गाड़ी वाला, लूटते हैं इसको। भाग भाई भाग 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 भाग। ये देखो पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, इस बार छोड़ने नहीं वाले पुलिस वाले को। ये देखो पुलिस वाला भी गया। ये देखो पुलिस की गाड़ी अभी भी जा रही है। चलो देखते हैं इसमें कोई है या नहीं है। इसकी गाड़ी में कोई नहीं था और गाड़ी भी ब्लास्ट हो गई है। चलो यहाँ से निकलते हैं। ओहो, एक्सीडेंट होने से हमारा बच गया, लेकिन हमारे पास गोलियाँ भी बहुत कम बची, केवल 2 ही गोली बची है। पर कहीं पर पुलिस ने हमको देख लिया तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पुलिस की गाड़ियाँ आसपास लगी हुई हैं, हमको गली गली से होकर भागना पड़ रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखो हमारे पास यहाँ पर हमको शायद कुछ बम मिल सकता है, इंफॉर्मेशन भी हमको मिल गया, कुछ बम भी मिल गया। ये देखो करीब बाय ग्रेनेड हमारे पास 6 है और इस समय 22 गोलियां हमारे पास है। चलो इस बम को हम यहाँ पर इस पुल के पास फेंकते हैं, देखते हैं। पुलिस हमारे पास नहीं है तो थोड़ा लूटपाट कर लेते हैं और यहाँ पर छिप जाते हैं। देखो यहाँ पर अंधेरे में हमने यहाँ पर लूटपाट किया है लेकिन यहाँ पर कोई पुलिस नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। भाग भाई भाग भाग, ये तो मेरे ऊपर ही गिर जाने वाला था, बम वापस आ गया। चलो यहाँ नीचे फेंकते हैं बम। काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, बम दूर कभी कभी नहीं जाता है। तो भाग भाग बम को सीखना पड़ेगा। ये देखो हमारे पास बम गिर गया। Get to the concrete area to the south. You'll get there quicker if you drive. Beautiful. चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या मिलने वाला है हमें। यहाँ पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ, लेकिन देखते हैं आगे क्या मिलने वाला है।
खैर पुलिस से इस बार बचना काफ़ी मुश्किल हो सकता है क्योंकि बहुत सारे पुलिस आसपास घूम रहे हैं तो काफ़ी तेज़ी से हमें भागना होगा। मौके पर यदि ना पकड़े जाओ तो काफ़ी अच्छा होता है। जी देखो एक आदमी यहाँ पर खड़ा था उससे भी हमने पैसे छीन लिए और आगे निकलते हैं। वो सामने से पुलिस आ रही है, भाग कर छिपते हैं भाई जल्दी से। पुलिस आदमी से गाड़ी छीन लेते हैं क्योंकि फिर को हमने इसे गाड़ी छीन लिया। और एक बार हमने पुलिस से गाड़ी छीनने की कोशिश की थी, उन्होंने हमें मार ही दिया था क्योंकि उनके पास गन थी, हमने ध्यान नहीं दिया। हमको लगा वो लोग आराम से बात कर रहे हैं खड़े होकर, इसी के में लास्ट में हमने छीना था शायद। टक्कर मारने पर भी हमें पैसे मिलते हैं। ओ हो हो हो, अब हम मरने वाले हैं क्योंकि हम फंस चुके हैं दलदल में। Can't you bloody well do anything right? So, you fancy yourself as a driver, right? So, get to the concrete area itself, you'll get there quicker if you drive. यहाँ पर कोई आदमी है क्या? चलो इससे लूटते हैं। अमीर आदमियों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, उनसे गाड़ी छीन कर बेच लेते हैं, इसलिए ये देखो यहाँ पर एक गन है इसको लेते हैं। अभी यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है तो हमें ज़्यादा खतरा नहीं है, यहाँ से निकलते हैं। पुलिस की सूचना पहुँच चुकी है, शायद वो आती ही होगी। इसे भी पैसे छीनते और निकलते हैं जल्दी से। छिप जाओ भाई छिप जाओ, गन निकाल लेते हैं इस बार, हमारे पास गन और ठोक देंगे। ये देखो पुलिस वाला अभी हमें देख नहीं पाया है। और ये केवल पुलिस की गाड़ी, यहाँ पर लोग जमा हो चुके हैं अपना शिकायत देने के लिए। ये देखो पुलिस वाले भाई साहब तो जा चुके हैं, लेकिन चलो यहाँ से निकलते हैं। ये देखो किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो बाहर आकर कुछ बोल सके, चलो यहाँ से भागते हैं जल्दी से। ये देखो यहाँ काफ़ी अंधेरा है, चलो यहाँ से ऊपर चलते हैं, हो सकता है कुछ सामान हमको मिल जाए। यहाँ पर वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारे पास एक गन और कुछ पैसे भी हमारे पास इकट्ठा हो चुके हैं। चलो ये लोग क्या बता रहे हैं, हमारी चुगली कर रहे हैं, चलो इनको ठोकते हैं। पास में चलना होगा क्योंकि इसका इस बंदूक का रेंज काफ़ी कम है, पुलिस वाला भी नहीं दिख रहा है। चलो पास में चलते हैं इनके। गया भाग भाई भाग 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 तेजी से। देखो यहाँ से हम निकल चुके हैं। ये भी गई काम से। भागो ये लोग, इससे भी छीनते हैं काफ़ी, इससे भी छीनते हैं कुछ पैसे। 19,000 हमारे पास फिर से हो चुके हैं। ये भी गए भाई साहब, बच गए। 21,000 रुपये हमारे पास हो चुके हैं। ये देखो सामने पुलिस खड़ी है, यहाँ आगे जाना ठीक नहीं है, वापस चलते हैं यहाँ से। शायद वो अभी हमें देख नहीं रहे हैं तो चलते हैं। पुलिस वाली गाड़ी सामने ही है तो यहाँ से हमें जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो वो फिर से आ जाएंगे। और हमारा मिशन 3 बार कंप्लीट होने से रुक चुका है। अभी हमारे पास बम भी नहीं है कि यहाँ से कुछ पैसे कमा सकें। ये देखो मेन हाई ओवर कितनी सारी पुलिस हैं, जल्दी से यहाँ से भागते हैं। ये देखो हमारे पीछे लग चुके हैं ये लोग।
ये देखो हम फिर से जल्दी से भागते हैं कि बच गए तो बच गए नहीं तो ये देखो रोड के एकदम विपरीत साइड में भाग रहे हैं जिससे उनकी गाड़ी घुमाने में टाइम लग जाएगा उतने टाइम में हम निकल जाएंगे पुलिस की गाड़ी आस पास ही इनको हम गोल गोल घुमाते हैं भाग ले भाई भाग ले ये देखो ये तो पुलिस की गाड़ी तुरंत ही आ गई चलो इस बार छीनते हैं इनसे पुलिस से पुलिस वाली ही गाड़ी है इस बार छीनते हैं देखते हैं क्या होता है ये देखो पुलिस जा रहा है सामने चलो इससे गन छीन लेते हैं मार के ये देखो ये इसका दिमाग कहीं और था और इसने हमको नहीं मारा इससे हमारे पास समय कुछ 36 गोलियां हो चुकी हैं एक गन और हमको मिल चुका है चलो ये देखो यहाँ पर दो पुलिस की गाड़ी है चलो इस बार पुलिस की गाड़ी ही छीनते हैं पहले मारे या फिर चाकू से ही हल जाए इनकी गाड़ी में घुस जाते हैं चलो चाकू से ही This is my car now. Oh, ho, ho, ho.